कांग्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं आजाद मैदान में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कई महिलाएं यहाँ पर आंगनवाड़ी से आई हुई है, जो कि मोदी सरकार ने उनसे कई वादे किया था और उनके वायदे जो है नहीं पूरे होने की वजह से यहाँ पर एक आंदोलन रखा गया है, मोर्चा रखा गया है। कई महिला आपको नजर आ रही होगी हमारे वीडियो में, हजारों के तादाद से यहाँ पर महिला है, आप वीडियो में हमारे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस आंदोलन के बारे में कुछ लोगों से, यहाँ पर जो आंदोलन रखा गया है उस बारे में हम जानकारी लेंगे। भूमि प्रेस में आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम? मेरा कॉमरेड दिलीप उटान है, मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन आईटक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ तमाम आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति का मैं निमंत्रक हूँ। यहाँ पर जो आंदोलन रखा हुआ है, ये मोदी सरकार ने तो हमसे खिलवाड़ किया है। मोदी सरकार ने कहा था पहले कि हम आंगनवाड़ी वर्कर को 350 रुपया रोज देंगे, यानी 350 रुपया रोज आने 10,500 रुपया और सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ऐसा घोषणा 4 बार अरुण जेटली जी ने किया था। उसके खिलाफ में मैं ऐसा कहूँगा कि मोदी जी ने 11 सितंबर 2018 को एक घोषणा कर दी कि आंगनवाड़ी वर्कर को हम 1500 रुपया मानदेय बढ़ाएंगे और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को हमने 1250 रुपया देंगे और जो हेल्पर होती है उसको हम 750 रुपया देंगे, ऐसी घोषणा किया, ताकि इस घोषणा के अंतर्गत कई राज्यों में उसका अमल भी कर दिया गया है। बल्कि मोदी का बेटा खुद को कहलाने वाला यहाँ का देवेंद्र फडणवीस, उसने इस घोषणा का अमल नहीं किया है। इसके खिलाफ में हम यहाँ पर आवाज बुलंद करने के लिए और सरकार का निषेध जारी करने के लिए यहाँ पर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम यही नहीं कर रहे हैं, सरकार ने अगर हमारी बात नहीं सुनी, अगर मंत्रालय में हमारी बात चर्चा नहीं हुई, तो ये सब महिला ये बम्बई के जो वीटी स्टेशन के पास जो मैदान ये है रोड है, वो सब रोड पे जाएगी, ऐसा हम ये कृति समिति के पास से जाहिर करते हैं। सरकार ने ऐसा खिलवाड़ किया, सरकार ने घोषणा किया 2017 में, 1 अगस्त 2017 को घोषणा की और कहा कि ही आंगनवाड़ी वर्कर को हम लोग पीएफ देंगे, इस आंगनवाड़ी वर्कर को ईएसआई देंगे। सरकार हमारे खासदार को ईएसआई देती है, हमारे एमएलए को ईएसआई देती है, हमारे ऑफिसर को ईएसआई देती है, लेकिन जिस हजार किसी को बीमारी नहीं हो, इसका काम करने वाली ये जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसको ईएसआई नहीं दिया जाता है, इसका हम निषेध करते हैं। सरकार कहती है कि मैं मजदूर की हूँ, मजदूर के कानून उन्होंने बंद कर डाले हैं, यहाँ पर बोनस का नाम नहीं, बोनस खत्म कर दिया गया है। ऐसे सरकार को रास्ते बनाने के लिए, ऐसे सरकार को जवाब पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति की ओर से हम लोग आए हैं। हम लोग यहाँ पर तादाद में आप जितने महिला यहाँ आई, आज यह आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, इससे डबल आंदोलन हमारे मुख्यमंत्री का निवास स्थान है नागपुर रामगिरी, आप उनके चैनल वहाँ पर भी देखिएगा, वहाँ पर भी महिला विदर्भ की महिला उसके घर के सामने चक्का जाम किया है। अभी अभी हमारे पास मैसेज आया है कि उसको पुलिस ने 6000 महिलाओं को अंदर कर डाला है, पुलिस स्टेशन में ले गया है, ऐसा आंदोलन हमारा है। अगर सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, ये महिला यह अगर आचार संहिता भी लगती है तो ये महिला रास्ते में उतरेगी, हर जगह जाम करेगी और इस सरकार का निषेध करेगी। सर, जैसा कि ये जो आंदोलन रखा गया है, तो क्या लगता है सरकार इस मामले के बारे में आपकी सुनवाई सुनेंगे? सरकार अगर हमारी सुनवाई न सुने तो सरकार को हम गायब कर देंगे। हमारी हर वर्कर, हमारी हर हेल्पर, हर चुनाव के बाद अभी लोकसभा है, अगर सरकार अगर जो भी घोषणाबाजी किया है उसका अमल नहीं करती है, तो हम इलेक्शन के वक्त हमारी ये बहन है, ये बहन में एक गाँव में एक नहीं, एक गाँव में 100 वोट सरकार का बिगाड़ सकती है, इतनी ताकत इनके पास है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा जन समुदाय है, 2 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी इस देश के अंदर में, इस महाराष्ट्र के अंदर में, इस सरकार का, बीजेपी का, बीजेपी का उसका खिलाफ प्रदर्शन करेगी, उसके खिलाफ वहां पर जाके चुनाव में प्रचार करेगी। इतना ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उन्होंने अपना जाहिरनामा खुद का 2014 का देखना चाहिए, उसके जाहिरनामा के 36 नंबर के पान पर लिखा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर को हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, हमको वेतन देंगे, बोनस देंगे, जितनी भी सुविधा है। 2010 में जो मानदनवार और आंगनवाड़ी कर्मचारी का वेतन मान की कमेटी बनी थी, उसका अहवाल हम लागू करेंगे। अगर वो अहवाल लागू करते हैं तो चंदेश कुमारी का अहवाल लागू करते हैं, तो इन आंगनवाड़ी कर्मचारी को सेंटर को 15,000 रुपए देना पड़ेगा, मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी को 13,000 रुपए देना पड़ेगा और हमारे हेल्पर को वहाँ पर 11,000 रुपए देना पड़ेगा। यह ऐसा वो सिफारिश का हवाला है चंदेश कुमारी का, हम चाहते हैं वो हमें लागू किया जाए। आपने लिखा था जाहिरनामा में, वो जाहिरनामा आप लागू करें, ये हम कहते हैं। और अगर सरकार ने नहीं किया तो ये इलेक्शन में उसका नतीजा दिख जाएगा। जैसा कि इनका कहना है कि अगर हमारी जो मांगे हैं सरकार अगर पूरी नहीं करती है, तो आचार संहिता के बाद भी
लेडीज महिला जो है आंगनवाड़ी की वो चक्का भी जाम कर सकती है और रोड भी जो है ब्लॉक कर सकती है, जाम कर सकती है। सर, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।